हर्षिल, जो कि उत्तराखंडी नहीं शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत वैलीज में से एक वैली है, जो कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जितनी ही ये वैली खूबसूरत है उतनी ही अनएक्सप्लोर्ड। पर आज की ये वीडियो हर्षिल वैली पे नहीं होने वाली, बल्कि आज की वीडियो हर्षिल के रास्तों पे होने वाली है, क्योंकि जितनी खूबसूरत ये वैली है उतने ही खूबसूरत यहाँ के रास्ते भी हैं। अब इतनी सुंदर जगह पे मैं पहुँचा कैसे, उसके लिए चलिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि पिछले साल मेरी गढ़वाल की ट्रिप अधूरी रह गई थी। उसी गढ़वाल ट्रिप को पूरी करने के लिए मैं निकल पड़ा हर्षिल वैली, और इस ट्रिप पे मुझे ज्वाइन किया अजय और विजय ने, जो कि देहरादून मुझे अपनी गाड़ी से मिलने वाले थे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेट हो चुका हूँ, ट्रेन जस्ट पहुँचने वाली है। ट्रेन से मैं देहरादून पहुँच तो गया, पर अब शुरू होने वाला था एक अलग एक्साइटिंग और सबसे अलग सफर, जो कि हर्षिल का है। तो हर्षिल के लिए पहले हम गए देहरादून से मसूरी, और हमारा प्लान था कि आज हम मसूरी स्टे करें और कल मसूरी से निकलेंगे हर्षिल के लिए। पहुंच गए मसूरी, सुबह के 5:30 बजे से निकला हूं। अब जाके ये देखो टाइम हो रहा है रात के 10:30, और अब पहुंचा हूं फाइनली, कहीं रुकाऊं। A few moments later यहाँ मसूर पर रूम मिल चुका है, और रूम टूर मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल सा रूम है, और बाहर से व्यू ऐसा कुछ है नहीं, यही कहीं पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई, तो पार्किंग का व्यू है। 1500 रुपए का रूम मिला यार हमको ये, अभी हमने ज्यादा बार्गेन करा भी नहीं, क्योंकि रात का टाइम था। अजय बाहर आ, मुझे वॉशरूम दिखाना है। बाहर आ ब्रो, तेरा करना जरूरी है क्या? मेरे को ब्लॉग पे दिखाना वॉशरूम। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हॉल देंगे। तो ये है वॉशरूम, ये नॉर्मल सा वॉशरूम, 1500 रुपए मसूरी में सस्ता ही मिला, क्योंकि सीजन में रूम बहुत महंगा जाता है। जा रहे थोड़ा सा मसूरी घूमने। नैनीताल से होने की वजह से मसूरी हमें को इतना एक्साइटिंग लगता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे काफी ऐसी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है। बट इस बार इतना टाइम नहीं है कि हम मसूरी एक्सप्लोर कर पाए, वो शायद हम किसी और बार करेंगे। तो इसलिए आज की रात को यही खत्म करते हैं, और कल आपसे मिलते हैं नई जर्नी पे। चलो भाई सामान वामान सब पैक, कैमरा रखना है, गोप्रो उसको रखते हैं। चलो भाई रेडी, एक व्लॉग इससे एक व्लॉग इससे, आज दोनों चीजें, व्लॉग आने वाला तगड़ा। ये हमें पिछले 1.5 किलोमीटर से जाम ही जाम मिल रहा है, और यहाँ से 1 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है, और आप देखो कितने लोग आए मसूरी भाई। तो कुछ ऐसी ही रात मसूरी में बिताने के बाद सवेरे सवेरे सुबह 9 बजे हम निकल पड़े अपने हर्षिल के सफर को। सफर थोड़ा लंबा था, हर्षिल मसूरी से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है, पर जेन्युइनली देखना आपको ये रास्ते आगे देखकर लगेंगे नहीं कि शायद आपको इतनी लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि रास्ते बहुत सुंदर हैं। गूगल मैप के हिसाब से हम 6 से 6:30 घंटे में पहुंच जाने चाहिए थे, बट हम 12 घंटे में पहुंचे हैं, क्योंकि रास्ते में व्यूज ही इतने प्यारे हैं यार कि आप फोटोज के लिए रुकोगे ही रुकोगे। भाई ये देखो रास्ते में क्या दिखा है, देखो इतना सेक्सी मौसम, और ये देखो यार डैम से पानी, ओ भाई। यहाँ पे अभी हम नीचे आए हुए हैं, और आप ये देखो यार, ओ हो भाई 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 भाई, इतना मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, भाई साहब अलग लेवल ब्रो, अलग लेवल। तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली हमने लिया अपना पहला खाने का ब्रेक। हम ऑलरेडी रास्ते में अपना बहुत टाइम बर्बाद कर चुके थे, तो एक 15 मिनट के शॉर्ट ब्रेक पे फटाफट खाना खाने के बाद हम निकल पड़े वापस हर्षिल की ओर। हम हर्षिल से 50 किलोमीटर दूर थे, एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। रास्ते देखकर हम अपनी एक्साइटमेंट शायद कंट्रोल भी नहीं कर पाए, उतने में ही हमारी एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि अब शुरू हुआ मौसम बिगड़ना। उत्तरकाशी क्रॉस करते ही रास्ता बहुत ख़राब होने लगा, बारिश बहुत तेज़ आने लगी। बारिश तेज़ होने पर पुलिस वालों ने हमें रोका और बताया कि आगे रास्ता ख़राब है, तो आप आगे ना जाएं। और उस मोमेंट पे हमें लगा कि शायद आज हम हर्षिल वाली ना पहुंच पाए, आज हमें हर्षिल से पहले रुकना पड़ेगा। और फिर फाइनली हम लोगों ने एक ब्रेक लिया, थोड़ी देर बैठे और सोचा कि आगे क्या करें, और फिर भोले बाबा का नाम लेके हम चल पड़े हर्षिल वैली की तरफ। रास्ते कैसा है?
बहुत सुंदर, मजा आ रहा है ना, बहुत तगड़े रास्ते हैं। ट्रिप कैसे जा रही है बता? बहुत बढ़िया जा रही है भाई। यहाँ पर पहली बार आए हैं हम इस रास्ते में, झटके खा रहे हैं काफी झटके लग रहे हैं गाड़ी में। रास्ता तो खराब नहीं, बारिश हुई है, रास्ता भी मतलब थोड़ा क्लियर हो गया है, आसमान एकदम साफ है, रास्ते अब तो काफी सही है। और प्रोबेबली एक से डेढ़ घंटे में हम लोग, जो कि यहाँ पे मैप दिखा रहा है हमारा, दिखा दो घंटे रहा है बट शायद हम उसको डेढ़ घंटे में कवर कर लें, और डेढ़ घंटे में कवर कर लें तो अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं आज एक अच्छी सी ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम हर्षिल पर रुक पाए। कल प्रोबेबली हर्षिल एक्सप्लोर करेंगे, आज का देखो अंधेरा शायद हो जाए रात तक पहुँचते पहुँचते। ये देखो भाई, ये दिखने लगे बर्फ के पहाड़। तो भाई टाइम हो चुका ऑलमोस्ट रात के 8:30, और अभी हम हर्षिल से हैं काफ़ी दूर, ऑलमोस्ट अभी 1:11 और दिखा रहा है, जाम बहुत ज़्यादा था। डेढ़ घंटा पहले भी हमारा 1:11 दिखा रहा था, अभी भी 1:11 दिखा रहा है। बड़े मुश्किल से पुलिस वालों ने अभी जो है कि आधी गाड़ियाँ रोक कर आधी हम लोग की चलवाई है, तो एक तरीके से मतलब आधी आधी गाड़ियाँ चलवा रहे हैं और इकट्ठे भेज रहे हैं, एक को नहीं भेज रहे क्योंकि रास्ते खराब है। तो जो भी गंगोत्री आ रहा है ध्यान से आना ब्रो, भाई बहुत गंदा रास्ते है। ये देखो यार, अगर आपको हर्षिल जाना है तो यहाँ से लेफ्ट है और सीधी चली गई आपको गंगोत्री को, यहाँ से आप लेफ्ट डाल डाल से आर्मी एरिया है ब्रो पूरा। पानी है, मजे पानी है, मजा आएगा। सही है ना, पानी है, पानी है, मजा आएगा भाई। बहुत सुंदर ब्रो, बहुत सुंदर यार, जय माता दी। ये देखो आप, ये पूरी नदी है, फ्रेश हमने पार किया, यही हर्षिल वैली है। हर्षिल थोड़ा सा आगे पे है जो सिटी है प्रॉपर, और अभी यहाँ पे देखते हैं। अगर हम, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे बजट ये होटल मिनी स्विस, यहाँ देखिए मिनी स्विस क्या है, एटीएम्स भी है, पार्किंग का सीन देखेंगे ना। चल देखते हैं पहले आगे कहाँ पर क्या है, बाकी आपको रूम्स लेके मिलता हूँ, एक बार दिखाता हूँ क्या कैसा है, कितने के रूम्स है, क्या है हमारे हिसाब से तो कम से कम यहाँ पे शायद महंगे मिले रूम्स। फाइनली यहीं पर रोड से लगते हुए रूम ले रखा है, और देखो ये रोड है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी हुई है, जस्ट यहाँ से पार करते ही ये हमारा रूम है। तो ये है रूम, बस एक बेड ये है, एक बेड ये लगा हुआ है, ये वॉशरूम है, बढ़िया सब कुछ, वॉशरूम तो बढ़िया सब कुछ क्लीन है, और यही रूम है। हमने रूम देखे थे तो मतलब 3,500 रुपये 4,000 रुपये से नीचे कोई भी रूम नहीं था, बड़े मुश्किल से हमको ये रूम मिला है। 1,800 रुपये का हमें दिया है, एक बेड दो बेड वाला, तीन लोग हैं। और ये हर्षिल घुसते ही बस पहले दूसरा होटल है, लेफ्ट में पुल पार करते ही लेफ्ट साइड पर। तो अभी के लिए फिलहाल आज की ये इतनी लंबी ऑलमोस्ट 12 घंटे की हमारी जर्नी खत्म हुई, और अब कुछ खाते हैं, और रात को 12 बजे भाई साहब का बर्थडे है तो इसको विश करेंगे, और थोड़ा व्लॉग उस टाइम बनेगा तो बना लेंगे। किसी को विश तब करना तक है तो गलती से नीचे कमेंट करते हैं ना। हाँ आप इसको विश कर सकते हो भाई, विश कर दिया टाइम पे है, बहुत जरूरी है, थोड़ी उम्र उम्र बढ़ जाएगी इसकी थोड़ी सी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगला जो कल का हर्षिल की जो जहाँ पे एक्चुअली वैली है, वो पूरा वाला व्लॉग कल आएगा, तो की जगह भी काफी दिखाएंगे। हाँ तो वो सारी चीजें आपको कल दिखाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। तब तक के लिए मिलते हैं कल, बाय।